हाँ बच्चों गुड मॉर्निंग 12th क्लास, कृपया ध्यान दें, अटेंशन प्लीज। 12th क्लास, कल हमने जो है रिलेशन के बारे में चर्चा किया था, रिलेशन को डिस्कस किया था, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और क्या क्या बातें हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए बतानी पड़ती है, एक बार फिर रिकॉल कर लीजिए। और आज हम उससे संबंधित सवालों को लगाना सिखाएंगे कि कैसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में 4 नंबर का एक सवाल इस टॉपिक से बनता है और 1 नंबर का एक सवाल बनता है, जैसा लास्ट ईयर भी आया है। आप जब सीबीएसई बोर्ड का पेपर देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं। तो आइए एक बार निकाल करिए कि अगर किसी इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि हमारा रिलेशन किस सेट पर परिभाषित है, किस फैमिली पर परिभाषित है। सबसे जरूरी बात है परिभाषा को समझना। अगर रिलेशन किस पर परिभाषित है ये समझ गए तो फिर आपको समझना है सवाल में कि रिलेशन की शर्त क्या है। अगर रिलेशन की शर्त समझ गए तो फिर आपको ये देखना है एलिमेंट्स के द्वारा कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हो गया फिर आपको देखना है कि क्या रिलेशन सिमेट्रिक है। फिर आपको ये दिखाना है कि क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर ये 3 शर्तें पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कामा रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, hence रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इसके जो है नाम्स है जो आपको लिखने पड़ेंगे, ये स्टेप्स लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 4 पेपर मिलते हैं, उसमें कहीं भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिए कैसे लिखा जाएगा, कैसे समझा जाएगा, वो हम आपको बताते हैं। आइए आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 हम टेकअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे बताना है, कैसे लिखना है, एक टेक्स्ट बुक के सवाल लेते हैं, सैंपल पेपर के का सवाल लेते हैं और उसके द्वारा हम जो है आपको बता। देखिए एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, ये मैंने टेकअप किया है, इसका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को टेकअप कर रहे हैं। एक आध इसमें कई पार्ट है, एक आध पार्ट आपको करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये कह रहे हैं रिलेशन आर इन सेट ए। देखिए अब रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू, अब इन्होंने किस पर डिफाइन करना है दे दिया है 1, 2, 3, 4 अप टू 13, 14, यानी इसमें जो है 14 तक एलिमेंट है, यानी किस पर डिफाइन है रिलेशन ये दिया है, 1 से लेकर के 14 तक के एलिमेंट हमारे हैं। अब हमें रिलेशन की शर्त, दो बातें देखिए मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन में क्या समझना है कि रिलेशन किस पर डिफाइन है, यानी आपको खोजना है वो फैमिली जिस पर आपका रिलेशन डिफाइन है। तो ये सवाल में दिया है कि ये सेट ए है जिसमें ये एलिमेंट है और इस पर रिलेशन है। दूसरा रिलेशन की शर्त, अब ये शर्त दी गई है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x-y इक्वल टू 0। अब आपके रिलेशन में वह एलिमेंट होंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट है सवाल का कि हमारे रिलेशन की शर्त यह है कि 3x-y इक्वल टू 0। हमें जानते हैं कि रिलेशन जो होगा वो एक राशि का सबसेट होगा, तो हम देखते हैं कि इस रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट आएंगे जो इस शर्त को पूरी करेंगे। x y ऑर्डर पेयर दिया है, पहला एलिमेंट देखिए x है, दूसरा एलिमेंट y है, और वो x y के एलिमेंट जो होंगे वो हमारे यही सेट के एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, जो x y की वैल्यूज होगी वो क्या होंगे इसी के एलिमेंट होंगे। तो अगर हम इसमें
वाई की वैल्यू लेते हैं या एक्स की वैल्यू लेते हैं तो कैसे किस तरह से आर्डर पेयर बनता है, एक क्रम से लेते हैं तो रिलेशन हमारा कैसे बनेगा, तब हम उनकी बात को कह पाएंगे। अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 3 होगा, जिसका मतलब हमारा ऑर्डर पेयर 1-3 हो गया। x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू होगा 6। अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू होगा 9। अगर हम x इक्वल टू 4 लेते हैं तो y इक्वल टू होगा 12। अगर x इक्वल टू 5 लेते हैं तो y इक्वल टू होगा 15 इस शब्द के अनुसार। अब y इक्वल टू 15 हमारे सेट में नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 5 हम नहीं ले सकते हैं, x इक्वल टू 5 हम नहीं ले सकते। अब आप अन्य एलिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं आप। अब आपने कहा x इक्वल टू 1 ले लिया तो y इक्वल टू आपने 1 क्यों नहीं लिया? आपके मन में ये बातें आएंगी कि x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया था। ये हम आपकी बात को लेते हैं। अगर इस रिलेशन की शर्त में x इक्वल टू 1 हमने लिया तो ये हमारे रिलेशन बने। अगर हम y इक्वल टू 1 ले लें तो देखिए x की वैल्यू 1/3 आ रही है। अगर हम y इक्वल टू 1 ले लें तो x इक्वल टू x की वैल्यू 1/3 आ रही है। 1/3 हमारे इसमें नहीं है, हमारे सेट में नहीं है। इसका मतलब वो ऑर्डर पेयर हमारे एक राशि में नहीं हो सकता है। देखिए एक राशि में देखिए यहाँ से यहाँ तक 14 एलिमेंट है। 14 एलिमेंट का मतलब हमारा एक राशि में 196 एलिमेंट होंगे। 196 एलिमेंट लिखना थोड़ा सा कठिन काम है। एक नंबर का सवाल है, हम 196 ही लिखते रह जाएंगे और 3 घंटे समाप्त हो जाएंगे 196 एलिमेंट लिखने। तो वो वहां पर लिखना है जब आपको रिसर्च करना है। आप खाली समय में बैठे हैं, आप सारे इसके ऑर्डर पेयर बना लीजिए और इसकी शर्त को देखिए, आपके इससे रिलेशन कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो इनकी शर्त के अनुसार देखिए, अगर हम x y इक्वल टू 2 लेते हैं, देखिए y इक्वल टू 2 लेते हैं तो देखिए 3x = 2y3। अब हम y इक्वल टू 3 लेंगे, देखिए y इक्वल टू 3 लेंगे, x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 1 देखो ये आपका है ना। y इक्वल टू 6 लेंगे तो ये देखो x इक्वल टू 2 है। y इक्वल टू 9 लेंगे, x इक्वल टू 3 है, ये आपका ऑर्डर पेयर है। y इक्वल टू आपका 12 लेंगे, x इक्वल टू 4 है। y इक्वल टू 15 ले नहीं सकते क्योंकि 15 हमारे पास नहीं। तो कुल मिला के आप ये देख लीजिए होमवर्क करने के बाद कि हमारे रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट हो, ये हमारे एलिमेंट है। अब जब हमारे ये एलिमेंट है तो अब हमें देखना है कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। हम इसी रिलेशन की बात करें। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो लिखेंगे हाँ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब हमारे सेट में ये 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन रिलेशन में 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है जबकि सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो हम यही लिखेंगे इसमें कि सिर्फ तर्क देना है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए बट 1 डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर रिलेशन। देखिए इस तरह से बात को आपके काटना है आपको। तो एक तर्क मैंने दे दिया, आप और कोई तर्क दे सकते हो लेकिन उपयुक्त लॉजिक आपको देना है जो परिभाषा से संबंधित। अब आइए दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। 1-3 इसमें है, 1-3 है तो इसका मतलब 3-1 होना चाहिए, और 3-1 नहीं है तो हम लिखेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। भाई 1-3 है, 3-1 होना चाहिए और नहीं है तो लिखना स्वाभाविक है। दूसरा तर्क में देंगे कि सिर्फ 1-3
एलिमेंट ऑफ आर बट 3-1 डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर देयरफॉर आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए इस तरह से बनता है। अब 1-3 है, 3-9 है, सपोज दैट हम ले 1-3 है, 3-9 है, 1-9 नहीं है, वो लिख सकते हैं। तीसरी बात, सिंस 1-3 एलिमेंट ऑफ आर एंड 3-9 एलिमेंट ऑफ आर बट 1-9 डज नॉट एलिमेंट ऑफ आर therefore relation is non transitive relation। अब अगर कोई कहे इक्विवेलेंस बताने के लिए तो हम यहां भी लिख सकते थे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हेंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई कहता है इक्विवेलेंस बताने के लिए तो हम यहां से कह सकते हैं R is not symmetric, hence it is not equivalence relation. R is not transitive, hence it is not equivalence relation. तो कोई एक तर्क दे दिया जो कट गया, तीन तर्क है, एक तर्क ही नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। हम अपनी बात को वहीं पर लिख देते और हमारा सवाल खत्म। तो ये आपका एक प्रोसेस है, मैंने जो बताया आपको क्या क्या करना है। आपको देखना है कि रिलेशनशिप पर डिफाइन, फिर आपको रिलेशन की शर्त क्या है, ये दो चीजें अगर आप समझ गए फिर आपको इस बात को समझाना कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि इस पर परिभाषित है और रिलेशन की शर्त क्या है तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे, आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो पूरा प्रयास करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आपका लर्निंग का समय है, सीखने का समय है। बार बार पढ़िए, डिस्कस करिए, अगर आपको फिर भी हमसे संपर्क करिए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है, अगर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाए तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करिए, जो बात ना समझ में आती हो टेक्स्ट बुक का, क्योंकि मेरे पास हमेशा रहती है टेक्स्ट बुक, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम टेक्स्ट बुक देख करके, सवाल को देख करके आपको बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, हमने इसको आपको सारी बातें समझा दी। इस तरह इसमें 4 पार्ट और हैं, आप लगाने का प्रयास करिए। आप उसको जो नहीं आए उसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हमें समझा बताइए कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा। अब हम आपको एक क्वेश्चन पेपर इस साल का लेते हैं, एक टेस्ट दे देंगे, क्वेश्चन पेपर है इस साल का लेटेस्ट, और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का जो आया है वो मैं आपको लिख देता हूँ और फिर उसके विषय में बताता हूँ। 1 मार्क का कैसा क्वेश्चन आया है ये आप समझने का प्रयास करिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए कि 1 मार्क का कैसा क्वेश्चन आया है। देखिए मैं लिख रहा हूं, ये
कि अगर किसी सेट में किसी रिलेशन में A1 A2 है और उसका अपोजिट ऑर्डर पेयर A2 A1 भी उसमें है, तो हमें कहेंगे कि यह रिलेशन सिमेट्रिक है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। तो आपको यही लिखना है कि इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। आंसर इट इज कॉल्ड, ऐसा लिख दीजिए, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। इससे ज्यादा लिखना हमारे समझ से बहुत ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप उसको सटीक बात लिखिए, आगे बढ़िए। 1 मार्क में पूरे 1 मार्क मिलते हैं। अगर आप उसमें परिभाषा आपको नहीं मालूम है तो आपको इसे लिखना कठिन। इसलिए हम कहते हैं कि आपको जब कभी मन में घबराहट होने लगे, कभी आपको डर लगने लगे, ज्यादातर लोग कहते हैं रिलेशन कठिन है, फंक्शन कठिन है, कुछ नहीं, परेशान मत होइए। एक बार NCERT पढ़िए, फिर NCERT पढ़िए, फिर NCERT पढ़िए, बार बार टेक्स्ट बुक की परिभाषा जो अच्छी है, टेक्स्ट कहते हैं जो टेक्स्ट बुक, यानी वो किताब लिखी है उसमें परिभाषा लिखी गई है, वो आपको NCERT में ही मिलेगी। अनावश्यक मत भागिए। अगर आपको पढ़ना है तो पहले NCERT के सवाल लगाइए, NCERT की परिभाषाएं पढ़िए, और उसके बाद फिर आप कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, तमाम सारी रेफरेंस बुक है, जिसको आप रेफरेंस बुक कहते हैं, तमाम मोटी मोटी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, तो आप तब वहाँ पढ़िए, आगे बाद में मतलब बहुत जल्दी से आगे मत पढ़िए। अब देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा, और फिर आप बहुत तेजी से जो है सवाल को समझना लिखना शुरू कर दो। तो आप तर्क को समझिए, परिभाषा को, परिभाषा के आधार पर ये सवाल था, एक नंबर मिलना था, तो ये आपको इस तरह से परिभाषाओं को पढ़ना है और आपको मार्क्स कलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बच्चों 1 नंबर का सवाल जो लास्ट ईयर पेपर में आया था वो था। अब हम आपको एक सवाल 4 मार्क आया है इसी पेपर में, इसी साल के पेपर में एक क्वेश्चन 4 मार्क आया है, उसको आप देखिए, उसको मैं देखता हूँ और आपको 4 मार्क का क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ कि कैसे जो है उसको 4 मार्क का आप लगाएंगे। तो आइए हम आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पर ले चलते हैं। ये देखिए लिखते हैं क्वेश्चन को और फिर आपको साफ कर देते हैं। लेट यन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेट यन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आर बी द रिलेशन एंड आर बी द रिलेशन आर यन क्रॉस यन, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी आर इज रिलेशन इन यन डिफाइंड बाई ए बी आर सी डी AD = BC। इसका मतलब हुआ कि ABCD से रिलेटेड है अगर ये शर्त पूरी होती है। तो शर्त क्या है? ABCD माने AD पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट का गुणनफल बराबर पहले ऑर्डर पेयर का पहला है दूसरा एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट का गुणनफल, यानी इसके बराबर हो पहले ऑर्डर के पहले एलिमेंट का और दूसरे ऑर्डर के दूसरे एलिमेंट का गुणनफल बराबर पहले ऑर्डर के दूसरे एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर के पहले एलिमेंट के बराबर।
तो ये इस तरह का उड़द फल अगर है शर्त पूरी हो रही है तो ये रिलेशन की परिभाषा है, ये रिलेशन की शर्त है। और डिफाइन किस पर करना है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर द नंबर्स व्हिच आर यूज्ड टू काउंट, प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 ये सारी नंबर्स हैं आपको। अब आपको यही दो बातें समझना जरूरी है, हमारा रिलेशन किस पर डिफाइन है, हमारा रिलेशन किस पर डिफाइन है और हमारे रिलेशन की संख्या, दोनों बातें यहाँ आ गई, इसी को आपको समझना है। फॉर ऑल ए बी सी डी एलिमेंट आप देखिए सवाल पूरा लिख देते हैं, फॉर ऑल ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ यंग स्टार, करना क्या है, कह रहे हैं सो दैट सवाल में क्या करना है, सो दैट R is an equivalence relation हमें शो करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमें इसको जनरल वे में लिखना है, शर्तें पूरी हो चुकी हो, अगर कहीं डाउट है तो आप उसको तथ्य दीजिए, काट दीजिए, ये शर्त आपकी पूरी नहीं हो रही है उसको काट दीजिए और बात खत्म हो जाती है एक ही तथ्य में। नहीं तो अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, शो करना है, तो हमें शो करना पड़ेगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हमें शो करना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा कि रिलेशन सिमेट्रिक है, हमें शो करना पड़ेगा कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर रिलेशन सिमेट्रिक है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन ट्रांजिटिव है, हम कहेंगे कि ये रिलेशन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आइए हम रिलेशन को लेते हैं, हम पहले रिफ्लेक्सिव को रिफ्लेक्सिविटी को करते हैं, नंबर वन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब हमारा यह क्लास याद है म्यूचुअल नंबर है, तो एलिमेंट जो लेंगे आर्डर पेयर जो लेंगे वो म्यूचुअल नंबर से रिलेटेड लेंगे, लेंगे तो आइए लेट ए बी एलिमेंट ऑफ यर क्लास आर आर ईच ए बी एलिमेंट ऑफ। अब हमें ये देखना है कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यानी हर ए बी बहुत सारे ए बी होंगे, हर ए बी क्या ए बी से रिलेटेड है, हर ए बी क्या ए बी से रिलेटेड है, ए बी आर ए बी आर्डर बेस की बात है, ए बी आर ए बी इंप्लाइज क्या आएगा, पहला एलिमेंट और उसका दूसरा एलिमेंट यानी ए बी हो गया और दूसरा एलिमेंट बी ए हो गया और ए बी बराबर बी ए हमारा होता है ना, ए बी बराबर बी ए होता है नेचुरल नंबर में, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ नेचुरल नंबर में होल्ड करता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव आर आर ए बी एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन सभी के लिए है, हेंस तो यार रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरा हम सिमेट्रिक देखेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन की बात आइए लेट ए बी कॉमा सी डी एलिमेंट ऑफ यंग क्रॉस यंग आर ईच ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ यंग, इस तरह का आर्डर पेयर मैंने ब्रेकअप कर लिए ए बी आर सी डी। अब हमें देखेंगे कि ए बी आर सी डी इज इक्वल टू इम्प्लाई ए बी सी डी से रिलेटेड है, तो परिभाषा है इम्प्लाई।
इंप्लाय एंड इंप्लायड आई दोनों बातें कहते हैं। इधर भी आप इंप्लायड लगा सकते हैं, इधर भी एंड ऑनली लगा है। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। इसका मतलब यह है हम आगे लिख सकते हैं CD आर AB, CD आर AB, यानी AB CD से रिलेटेड था तो CD AB से रिलेटेड हो गया। तो जब AB CD से रिलेटेड था, CD AB से रिलेटेड हो गया, तो इसका मतलब है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। देखिए लिखेंगे therefore R is symmetric. R is symmetric. R all A, B, C, D element are. ते सभी के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया relation reflexive, हो गया relation symmetric, हो गया। अब हम आपको ये शो करेंगे कि relation जो है वो जानने के लिए, तो उसके लिए हम order में लगेंगे। आर्डर पे लेंगे तो आइए ट्रांजिटिविटी को प्रूव करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब हम ट्रांजिटिविटी की ओर चलते हैं। तीसरी बात देखते हैं ट्रांजिटिविटी रिलेशन। तीसरी बात है ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे जिस तरह के कनेक्शन होते हैं आर्डर पेयर में, उसी तरह के हम कनेक्शन होंगे। तो देखिए क्या कहेंगे, ए बी सी डी ई एफ, तीन आर्डर पेयर में एलिमेंट आप यंत्र आर आल ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट आप बाहर के नियर के ए बी आर सी डी। ए बी आर सी डी की परिभाषा है इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई ए डी इक्वल टू बी सी, सी डी आर ई एफ, सी डी आर ई एफ की परिभाषा है सी एफ इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू डी। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ए बी रिलेटेड है, ए बी आर रिलेटेड सी डी है, सी डी रिलेटेड ई एफ, कंबाइन करेंगे देयरफॉर ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ, यानी ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो हमारा अगला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। तो हम इसको ये जो है लेफ्ट का लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट का राइट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए डी गुणे सी एफ बराबर बी सी गुणे डी जी। तो ये दोनों पक्षों से देखे जो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे और आगे लिखेंगे इम्प्लाई जेड इम्प्लाई लगा करके। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, डी कैंसिल हो गया, डी आपका कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, बचा आपका ए एफ इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू सी कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया बी ई ई बी बचा। इसको आप लिख सकते हो परिभाषा के बाद परिभाषा कि ए बी ए बी आर ई एफ। तो अब हमको ये मिल गया कि ए बी आर सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, यानी ये इनसे रिलेटेड है, वो उनसे रिलेटेड है, तो इनका उससे रिलेशन होने की संभावना है। तो इससे साबित हो गया कि आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, देयरफॉर आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों स्टेप हो गया। अब इस स्टेप के बाद अब हमारा कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन क्या होगा वो देख लीजिए आप, कंक्लूजन क्या लिखेंगे। अब लिखेंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक,
आर इज ट्रांजिटिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। Hence, they are therefore R is an equivalence relation. Equivalence relation. ये आपका स्टेप है, आपको तर्क देना है, वाजिब लॉजिक देना है, और जब आप लिखोगे इतना तो आपको बहुत आराम से इस सवाल में चार नंबर मिलेगा, कहीं भी आधा मार्क कटने का चांसेस नहीं है। बस बशर्ते कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो गड़बड़ ना हो, आप किस पर परिभाषित है वो नेचुरल नंबर की तर्क मिल रही है कि नहीं मिल रही है, नेचुरल नंबर से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, रिलेशन की शर्त को पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप इतनी बातों को ध्यान रखेंगे ये बहुत आसान से टॉपिक है और बहुत बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं। लैग करता है तो बहुत घबराइए मत, थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और तब लिखिए। ये आपको लिख करके अभ्यास करिए। आप लोग सवाल को पढ़ते, आप सवाल को पढ़ते हो और ऐसी किताबें उपलब्ध हैं कि सलूशन पढ़ते हो, उसको आप छोड़ दो। आप सलूशन मत पढ़ो, आप सवाल मत पढ़ो, आप सवाल को लगाओ। गणित लगाने की चीज़ है, गणित पढ़ने की चीज़ नहीं है। ये मेरा सजेशन है कि आप गणित को लगाइए, एक सवाल ही लगाइए, दो सवाल ही लगाइए, मत लगाइए रातों दिन। एक घंटे दो घंटे भी आप गणित को पढ़ लेते हैं तो आपका काम कोटा पूरा हो जाता है। आप एक सवाल दो सवाल हर टॉपिक से रिलेटेड पर डे लगाइए, देखिए आप तरोताज़ा रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने ये दो तीन सवाल आपको डिस्कस किए हैं, इसके आगे एक आध सवाल और डिस्कस करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन भेजना हो तो उसका शॉर्ट स्नैप ले करके भेज सकते हैं कि हमें बता दीजिए, तो उस सवाल को हम नोट डाउन कर लेंगे और जिस दिन किसी क्लास में समय मिलेगा इसी ब्लैक बोर्ड पर उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो आज यहीं तक रखिए, धन्यवाद।